और ये हम लोग जब रिंकू सिंह की बात कर रहे थे, आप देखिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 छक्के लगाएगा। ये हैंडल है, इसको स्लाइस करके इसके अंदर हम हैंडल लगाते हैं, ठीक है। फिर इसकी बैट मेकिंग होती है, प्रोसेस होता है, फिर इसको फिनिश किया जाता है, फिर स्टिकर लगाया जाता है, तो बैट रेडी। राइट, टिम डेविड की साइनिंग के बारे में सर, उन्होंने खुद ही कनेक्ट किया बिकॉज उनको टीममेट्स थे उनके, जो बैट का बेसिक है, बैट की फील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार ये बैट सब बनते कैसे हैं? फैक्ट्री यहीं पर मौजूद है और जतन भैया राइट मैन, द बेस्ट गाय, जो इसकी फैक्ट्री में हम लोग हैं और देखेंगे बैट बनते कैसे। भाई तो गाइज मैं अब SS आ चुका हूँ, सरीन स्पोर्ट्स, जो कि हिंदुस्तान की टॉप कंपनी अगर मैं बोलूँ, बैट मैन्युफैक्चरर, क्रिकेट गुड मैन्युफैक्चरर, तो वहाँ पर अब मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूवी SS के बैट्स, ऑब्वियसली काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर्स ने खेला है, किन किन प्लेयर्स ने खेला है, क्या हिस्ट्री रही है, सब पे बातें करेंगे। लेकिन अभी हाल मैंने एंट्री करी है, अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली जतन भैया के पास, जो कि ओनर हैं SS कंपनी के। तो उनसे जानेंगे इस कंपनी के बारे में, इस लेगेसी के बारे में, कैसे स्टार्ट हुई है कंपनी और कौन कौन से प्लेयर्स ने बैट कब यूज़ किए, कैसे किए, क्या स्पेशलिटी थी, तो सब जानेंगे। और ये देख सकते हैं आप, सारे करंट स्टार्स हों चाहे अपकमिंग स्टार्स हों, सुपर स्टार्स हों, सभी SS का बैट। इनफैक्ट बचपन में भी यार आपकी पहली मेमोरी क्या होगी, SS का बैट आपके हाथ में होगा। और ये शख्स, ये इंसान, ग्रेट मैन सौरभ चंडीदास गांगुली ने SS के बैट आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं, पूरे करियर में SS के बैट यूज़ करें। ये आप देख रहे हैं, ये वॉल ऑफ फेम टाइप है जो कि बाहर है, और जतन भैया वहाँ पर है, जतन भैया केबिन वहाँ पर है, तो अंदर चलते हैं, बात करते हैं उनसे। यार युवराज सिंह 6 sixes, वीरेंद्र सहवाग 309 आइकॉनिक जो मुल्तान में खेली थी, इसके अलावा सौरभ गांगुली, ब्रायन चार्ल्स लारा, एंड यू नेम इट, सचिन तेंदुलकर, जितने भी आइकॉनिक प्लेयर्स हुए हैं इंडिया के नहीं वर्ल्ड के, उन्होंने SS को यूज़ किया है, ये फैक्ट है। और अभी राइट नाउ आप देख रहे हैं कि जो मैं दिखा रहा हूँ, जो बैट्स आप ऊपर आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल बैट्स हैं जो इन आइकॉनिक प्लेयर ने उस आइकॉनिक परफॉर्मेंस में दिए थे। राइट, तो अभी मैं कहा हूँ, अभी मैं SS में हूँ, मेरठ में हूँ, और राइट नाउ मैं कहाँ पर हूँ, जतिन भैया के पास हूँ। जतिन भैया इज हेयर, जो कि ओनर है SS के, और आज हम लोग बात करेंगे जतिन भैया से इस पूरी हिस्ट्री के बारे में, इस आइकॉनिक हिस्ट्री के बारे में इस कंपनी की, जो कि 1969 में श्री नरेंद्र कुमार सरीन ने स्टार्ट करी थी और उनके ही सुपुत्र हैं जतिन भैया। तो कैसे ये स्टार्ट हुई जतिन भैया, फर्स्ट टाइम आपको कब रियलाइज हुआ कि भाई वी आर इनटू दिस स्पोर्ट्स बिजनेस? जैसे मैंने तो खुद ज्वाइन किया था 1996 में, तो जैसे फादर यूज़ टू डू ऑल द थिंग्स, उन्होंने स्टार्ट किया 1969 में, अर्लियर में जो प्लेयर्स उन्होंने किए जो उनके साथ खेलते थे, जैसे मिस्टर रॉजर बेनी जो कि आज हमारे BCCI अध्यक्ष हैं, मिस्टर सैयद किरमानी, मनोज प्रभाकर, कीर्ति आज़ाद, तो उन लोगों से स्टार्ट हुआ सारा क्रिकेट। फिर विनोद कांबली, एक उनका मतलब एरा था जिन्होंने उसमें अच्छे रन वगैरह करे, तो वो सब इस टाइम से हुआ शुरू। राइट, तो ये सब और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अगर हम बात करें हिस्ट्री की, क्या मैन्युफैक्चर किया, दादाजी शटल कॉक। हाँ जी, मेरे दादाजी शटल कॉक बनाते थे। राइट, तो फादर क्रिकेट के शौकीन थे और यूनिवर्सिटी लेवल तक खेलते थे, तो उन्होंने फिर प्लान आउट किया कि मैं क्रिकेट बैट्स बनाऊँ, तो फिर मेरे दादा ने मेरे फादर को ज्वाइन किया फैमिली बिजनेस में एज अ क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग में। राइट, तो पहली फर्स्ट साइनिंग आपको याद है, पहली फर्स्ट साइनिंग कौन सी थी किसी? फर्स्ट साइनिंग थी सैयद के किरमानी और रॉजर बिन्नी की। रॉजर बिन्नी की, और दोनों ही बहुत आइकॉनिक बड़े नाम है 83 के पार्ट, 83 के वर्ल्ड कप में दोनों थे जी, दोनों ही पार्ट थे, तो ये रिच हिस्ट्री थी। और उसके बाद धीरे 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 पूरे दुनिया में नाम हुआ, और किसी जमाने में अगेन एंड अगेन मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि जब हम लोग 90s में थे या 80s के एंड में थे, हमारा एम होता था जतिन भैया कि यार मेरे पास GM का बैट होना चाहिए या फिर दूसरे ब्रांड्स का बैट होना चाहिए, लेकिन फिर SS का जो राइज हुआ, जो हमारे इंडियन ब्रांड्स का राइज हुआ, राइज हो, वो फिनोमिनल रहा, तो वो जो हिस्ट्री थी वो कमेंडेबल। अब यहाँ वॉल ऑफ ये फेम है जहाँ पर बैट्स हैं, बहुत ही आइकॉनिक बैट्स हैं, तो जितने भी मेजर प्लेयर्स हुए, यू नेम इट, बिग से बिग प्लेयर, आप यहाँ पर एक स्पेशल बैट मैं देख रहा हूँ, जितने भी है, मुझे भी ऑफ द कैमरा बताया था, सौरभ गांगुली दादा का जो बैट है, सबसे ज़्यादा रन सौरभ गांगुली ने इस बैट से बनाए थे, जो कि यहाँ पर SS उन्होंने यहाँ पर दिया है। और सौरभ गांगुली का SS रिलेशनशिप बहुत आइकॉनिक है, BCCI प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन हम सबके फेवरेट कैप्टन आइकॉनिक। तो एक पिक्चर है सौरभ गांगुली, आप मेरे साथ चले जतन भैया, यहाँ पर जतन भैया विल टेक अस, ये देखिए यहाँ पर सौरभ गांगुली, जिनको प्यार से हम लोग दादा बोलते हैं, उनके साथ हैं 99 की पिक्चर है जब वो कैप्टन बने थे, कैप्टन बने थे जब, नए नए कैप्टन बने थे, तो ऊपर साथ में ये जतन भैया के डैड है,
इधर भी जैसे लग रहे हैं जैसे भैया ये इस फोटो के बारे में जैसे आपने बताया 99 तो सौरभ गांगुली और एसएस का रिलेशनशिप 1997 में शुरू हुआ था। फर्स्ट टाइम मैं जब बैंगलोर में उनसे मिला तो उसके बाद से हमारा रिलेशनशिप डेवलप हुआ। मैंने उनके लिए बैट्स बनाए और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत बताया कैसे बैट को इंप्रूव करना है, कैसे एक प्लेयर की डिमांड होती है। ही हेल्प मी अलॉट, बहुत करा। और इसमें आप देख सकते हैं मिस्टर धोनी का जो विनिंग सिक्स है, ये एक आइकॉनिक मोमेंट था। 2011 वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड कप आ गया है, वर्ल्ड कप अक्टूबर में है, तो ये विनिंग सिक्स जो धोनी ने लगाया ये भी एसएस के बैट से था। एसएस के बैट से था वो। मिस्टर तेंदुलकर ग्रेट ऑल टाइम आईपीएल में खेलते हुए जी, वो भी टर्न देखे लिखे एसएस का बैट। ऑब्वियसली स्टिकर ब्रांड्स के डिफरेंट हो जाते हैं पर लेकिन सौरव गांगुली का इंपॉर्टेंट रोल, उसके बाद सौरव गांगुली ने पूरा लिटरली एसएस, अगर हम जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे भैया अभी कि उन्होंने हेल्प करी है राइट फ्रॉम द डिजाइनिंग एस्पेक्ट। या डिजाइनिंग, उनको बैट्स का बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा शौक है और उन्होंने बहुत हेल्प किया हमको कि बैट को कैसे बेस्ट वे में इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज एक अच्छे प्लेयर के इन्वेंशन के बगैर, उनकी थॉट्स के बगैर, उनके उनकी नीड्स के बगैर बैट इम्प्रूव नहीं हो सकता, वो जरूरी है। तो ये अपकमिंग जितने भी, आई थिंक यू आर द बेस्ट वन टू टेल कि जितने भी अपकमिंग यंग किड्स हैं अब इतने जबरदस्त यहाँ पर, और वी विल सी द फैक्ट्री के भैया, एसएस की फैक्ट्री भी वहीं पर हम लोग मौजूद है भैया के ऑफिस में अभी। सबसे बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर अपने फॉलोअर्स को बोलता हूँ लेकिन आई थिंक आपसे बेस्ट इन्हें कोई बताता है, बैट्स का फील कैसे? बहुत बेसिक चीज़ है, जो बैट का बेसिक है, बैट की फील बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फील अच्छी आएगी तभी आप अपने उससे परफॉर्म अच्छा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि फील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक मिथ है जिसको बस्ट हम सभी करना चाहते हैं, स्पेशली आप, कि भाई एक महंगा बल्ला और एक लाइक सस्ता बल्ला, लाइक 10,000 वाला फॉर एग्जाम्पल, 10 के अंदर वाला, तो उसमें जो वेरिएशन आ रहा है प्राइसिंग में उसको लेके व्हाट आर यू थिंकिंग? और हम लोग जो हर घर में एक अच्छा बल्ला हो, अगर कोई एस्पिरेशन क्रिकेटर है तो क्या है उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए जो इंग्लिश विलो बैट है वो तो देखो प्राइस उसका जो कंट्रोल होता है वो तो कुछ इंडियन बैट मेकर से नहीं होता है, वो तो इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, फॉरेन करेंसी के रेट पे डिपेंड करता है, और एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट है और नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरली वो महंगा है और हो जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है बिकॉज उसकी ग्रोथ बहुत लिमिटेड है। 40 ईयर्स के बाद एक पेड़ तैयार होता है तो नेचुरली वो लिमिटेशन तो है ही वो, right. और वो चीज़ कॉस्टली रहेगी बिकॉज क्वालिटी उसमें कंटेंट करती है। तो जो इंग्लिश विलो है वो इंग्लिश विलो होता ही एक अलग चीज़ है। तो इंग्लिश विलो ऑब्वियसली हम सभी ने कश्मीर विलोज कभी ना कभी स्टार्ट किया था लेकिन अब ऑब्वियसली हर कोई इंग्लिश विलो यूज करता है, मगर कश्मीर विलो भी बहुत इंप्रूव्ड है। जो कश्मीर विलो की मेकिंग जो हम लोग करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स और जो अलग जगह बनती है, जो अलग होता है, उसमें बहुत फर्क है। जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो बैट बनाने का तरीका है, दैट्स अ इक्वली अ गुड गुड प्रोडक्ट और आदमी यूज कर सकता है। बिल्कुल हाँ, मतलब ये जो मिथ है कि भैया खराब चीज नहीं होती, और काफी प्लेयर्स ने भी बोला है कि पुराने जमाने में खेला है जी प्लेयर्स, कश्मीर ने काफी आराम से खेला, आज के जमाने में जो टॉप प्लेयर है, जो भी स्टेट्स खेलता है या जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, वो सब इंग्लिश विलो से खेलता है। बिल्कुल, तो एसएस करने आई थिंक एसएस वाज द फर्स्ट वन जिसने ट्रेंड स्टार्ट किया था। आई रिमेंबर वो आइकॉनिक इनिंग खेली 281 वाली लक्ष्मण ने, आई थिंक विद इन अ मंथ बैट आया मार्केट में एसएस 281, तो मेमोरी हम लोग की वी वांटेड टू ओन दैट बैट, फिर 309। तो ये आइडिया किसका था भैया, 281 निकालो 309 निकालो? ये आइडिया एक्चुअली मेरे था बिकॉज एक चीज कनेक्ट होनी चाहिए, जब एक चीज हो गई है जैसे 666 युवराज सिंह ने मारे तो वो एक टाइम का आइकॉनिक चीज है, 281 रन करा वो भी एक अलग था, सहवाग जी ने जब 309 करा तो वो भी एक फर्स्ट अचीवमेंट था, उसके बाद उन्होंने और भी करे, बट जो एक फर्स्ट अचीवमेंट था अगर वो बेसिकली फ्रेम्ड हो जाता है बैट में तो कनेक्ट रह जाता है कस्टमर का, वो भी बहुत जरूरी है। एमएस धोनी ने जो विनिंग सिक्स की बात करी वो आइकॉनिक मोमेंट ऐसे उठाना, तो एमएस धोनी की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती थी जब वो एसएस के बैट से खेले थे भैया? शुरू से क्या रहती थी उनका वेट? थोड़े से भारी बैट से खेलते हैं, जैसे लोग जनरली जो ट्रेंड है बोलते हैं हल्का बैट होना चाहिए, बट एमएस का बैट शुरू से भारी होता है, 1250 ग्राम से ऊपर होता है और सॉलिड बैट से खेलते हैं जिसका पंच मतलब फ्रॉम टो टू शोल्डर एक जैसा होता है, एक अलग ही पावर पैक बैट होता है, एंड ही इज हिमसेल्फ वेरी पावरफुल, तो यूजेस विद पावर टू प्रॉपर। अच्छा, मेरे हाथ में ये रविंद्र जडेजा का बैट है, पीछे सूर्या, यू नेम इट, सारे यहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ ब्रेविस का बैट भी है। तो यार ये बैट सब बनते कैसे हैं? फैक्ट्री यहीं पर मौजूद है और जतन भैया इज द राइट मैन, द बेस्ट गाय, जो हमें बताएंगे कैसे एसएस के बैट, एसएस की ये आइकॉनिक बैट जो हम सभी ने अपने बचपन में खेले थे, देखे थे, तो आज उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि एसएस की फैक्ट्री में हम लोग हैं और देखेंगे बैट बनते कैसे। भैया लेट्स गो। भैया वर्ल्ड कप इज कमिंग अप, तो वर्ल्ड कप को लेकर क्या एक्साइटमेंट चल रहा होगा प्लेयर्स में? काफी बोल रहे हैं हो रहा है जी, टीम्स फाइनल हो रही हैं, जो जो टीम फाइनल होती जाएंगी फाइनल लिस्ट आता जाएगा, कौन कौन खेलेंगे कौन कौन नहीं खेलेंगे उसके बाद सब फाइनल डिसाइड हो जाएगा जी। और ये हम लोग जब रिंकू सिंह की बात कर रहे थे, आप देखिए, हाँ जी 5 6 कर रहे थे, 5 छक्के लगाएगा, हाँ जी लगा देगा जी, उसको कूल था, रिलैक्स था एक्चुअली, बहुत काम है, बाय नेचर बहुत काम है और रिलैक्स है,
तो ये रीजन है उसको, ये उसने स्ट्रेस लिया ही नहीं, स्ट्रेस लेता तो वो स्ट्रेस में नहीं मार पाता। और वी ए 900 से खेल रहे हैं एसएसके वी, और हम लोग के भैया ने मुझे बताया भी था एक बार कि वी ए 900 इसका मैं रिव्यू मुझे करना है, इनफैक्ट मैंने ग्लैडिएटर का किया था, ग्लैडिएटर का प्लेइंग विद वी ए 900, लेकिन व्हाट अ टैलेंट ही है, इसमें दो राय नहीं है। और यहाँ पर देखिए जितने भी साइन हुए हैं प्लेयर्स, जितने भी सुपरस्टार्स हैं अपकमिंग, इनफैक्ट मैं ऊपर देख रहा हूँ फीमेल क्रिकेटर भी हमारे पास, फीमेल भी हैं जी, एसएस ने साइन किए हैं, रिद्धिमान सुषमा है जी, अच्छा घोष है जी, वो तो अब मूव आउट हो गई। अच्छा जी, ये सारे के सारे सुपरस्टार्स एसएस के साइन हैं। और एक ज़बरदस्त साइनिंग जो एसएस की भैया वो थी टिम डेविड, हाँ जी टिम, बड़ा टैलेंट ही है। दो अभी और हैं, वो आपको कल तक फाइनल हो जाएंगे, आज हो रही हैं वो, चलिए या शाम को ही मैं आपको बता दूंगा कौन हुई है। डन, हम लोग चल रहे हैं फैक्ट्री चल रहे हैं जहाँ पर जी टिम डेविड, जो कि रिसेंटली क्या कमाल की बैटिंग करी उन्होंने एक दिन पहले ही, टिम डेविड की साइनिंग के बारे में तो सर उन्होंने खुद ही कनेक्ट किया, बिकॉज वो टीममेट्स थे उनके, उनके साथ उन्होंने बीबीएल वगैरह खेला जी, जब वो जॉनी के बैट्स देखे, उसने मोइन के बैट्स देखे, तो फिर वो कनेक्ट हुए, फिर वो सीपीएल में गए, तो सीपीएल में पोलार्ड का बैट देखा, रसल के बैट देखे, तो उनकी भी हाइट काफी है, तो उनको लॉन्ग ब्लेड बैट लगते हैं, तो वहीं से कनेक्शन शुरू हुआ जी, शुरू हुआ। और क्या बैटिंग कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी लग रहा है उनके चांसेस आने वाले हैं, हाँ हो सकता है जी आए वो, हाँ चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। और हम लोग भी चल रहे हैं फैक्ट्री की तरफ, तो ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश कब हुई, ये वाली 2011 में वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप के बाद अच्छा वर्ल्ड कप के बाद बनी, उससे पहले बैट कहां बन रहे थे, बैट पुरानी फैक्ट्री में बनते थे विक्टोरिया पार्क में, ओके, तो ये वर्ल्ड कप 2011 के बाद, उसकी पिक्चर्स कुछ होंगी जी किस रूम में मैं दिखाऊंगा, जब धोनी आए थे यहाँ, डन डन, वो जीतने के तीसरे दिन बाद जब वो ओके तिरुपति होके आए थे, तो उसके बाद इधर आए थे वो, ओके, तो पूरा सेटअप फिर 2011 के बाद फिर दोबारा शिफ्ट कर दिया गया, अब वहाँ पर कुछ नहीं होता है, अब वहाँ कुछ नहीं, अब वहाँ सब कुछ यही होता है। तो ये आप फुटेज में पूरा देख पाएंगे, हाँ जी, कि फैक्ट्री ये पूरा स्टफ राइट फ्रॉम बैट्स, इसके बारे में देखेंगे, बैट्स हो गए, सॉफ्ट लेदर जो भी जा रहा है, और अब तो मर्चेंडाइज में भी भैया आप देख रहे हैं, मैंने मर्चेंडाइज टी शर्ट्स हो गई, कैप हो गए, एसेस। तो हम लोग अब आ गए हैं जहाँ पर एक्चुअल एक्शन चल रहा है, और भैया यहाँ पर ये देख रहे हैं यहाँ पर कितने बैट बनते होंगे भैया, डेली बनते होंगे 500-700 बैट्स तो बनते होंगे जी, 500-700 बैट डेली बनते हैं, और अच्छा सीजन हो, जब काम का सीजन हो, जैसे अभी तो थोड़ा स्लो है तो कम बनते हैं, बट सीजन अच्छा हो तो 800 तक भी बन सकते हैं। बिल्कुल, आप जो लेमैन है उसको समझाते हैं कि ऐसे आता है पहले क्लेफ्ट, ये क्लेफ्ट है राइट, ऐसे बैट की क्लेफ्ट इस फॉर्म में आते हैं, इस फॉर्म में आते हैं, देखो ये इंग्लिश में लो, लंदन से, इंग्लैंड से आती है, और फिर भैया इसको जो फिर उसको हम हैंडल पुट ऑन करते हैं, उसमें ये हैंडल है, इसको स्लाइस करके इसके अंदर हम हैंडल लगाते हैं, ठीक है, फिर इसकी बैट मेकिंग होती है, प्रोसेस होता है, फिर इसको फिनिश किया जाता है, फिर स्टिकर लगाया जाता है, फिर बैट रेडी होता है, राइट, ये प्रोसेस के स्टेप्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं, ये इस पे हम लोग देखेंगे। तो ये क्लेफ्ट आपने देखी, अब ये सब कुछ आ रहा है इंग्लैंड से, हाँ आप देखिए ये मेकिंग हो रही है, हमारी मेकिंग बिल्कुल ट्रेडिशनल है, कोई मॉडर्न नहीं है, जैसे जो एक बेसिक इंडियन ट्रेडिशनल बैट मेकिंग है हमने वही रखा है, अपना सिस्टम को चेंज नहीं किया है, शुरू से ये लोग इसी पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप चेंज ट्रेंड है, वही चीज़ हम कराते हैं, ये सारे बैट और हैंडमेड बैट कश्मीर में, राइट, ये कश्मीर वाला बैट था, ये क्लेफ्ट देखिए, क्लेफ्ट में शेप निकल रहा है, हाँ। अरे भाई ये देखिए, ये सब जो इंग्लिश फ्लो बैट्स हैं, ऑब्वियसली बाहर से आपको विलो चाहिए, इंडिया में कभी ट्राई नहीं करा लोगों ने, कश्मीर में करा जी हुआ नहीं, वेदर नहीं, वेदर नहीं सर, दुनिया में बहुत जगह ट्राई हुआ, ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल इंग्लैंड में होती है जी, आई डोंट नो क्या सिस्टम है जी, एक ही जगह होती है, राइट राइट, आई थिंक वो टेम्परेचर जैसे भैया उसमें टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, वाटर मैटर करता है, और ऐसा बोलते हैं जो बैट पर अक्सर हम लोगों को देखने को मिलती है, अगर नॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, तो वो खराब लाइक लोअर ग्रेड होती है, उसका रीज़न क्या होता है सर जी, एक वुड है, वुड हर जगह एक जैसे तो नहीं उग सकती ना, वुड हाँ। नीचे भी उगती है, ऊपर भी उगती है, कई तरीके से उगती है, राइट, तो कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, कोई चीज़ नेचुरल है सर, नेचुरल है, जैसे रंग होता है, कलर है, जैसे राइट राइट, इसीलिए नहीं, तो यहाँ पर लगभग 500 बैट बनते हैं एसएस की फैक्ट्री में, यहाँ पर देखिए सारे हैंडमेड, सारे कारीगर लगे हुए हैं, 100% हैंडमेड है, सारे 100% हैंडमेड बैट है, और हम लोग जितनी बड़ी ब्रांड होती है भैया, हमेशा एक चैलेंज होता है, यहाँ भी चलेंगे मशीन सेक्शन में चलते हैं अभी, लेकिन एक बात जो बहुत दिनों से आई वांटेड टू आपके शेयर करनी थी, आपसे पूछना था कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे एडिडास का एडिबास, नाइकी का नाइको, प्यूमा का कोमा, ऐसे जो बड़े ब्रांड है हिंदुस्तान के, कैसे डुप्लीकेशन को लेके व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग सर, डुप्लीकेशन के लिए हम अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को मैक्सिमम एजुकेट कर रहे हैं कि वो चीट ना हो, जैसे इंस्टाग्राम से बाय करते हैं, अमेजन से बाय करते हैं, तो वो उसका डीलरशिप सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कंपनी का डीलरशिप सर्टिफिकेट जरूर चेक करें, डुप्लीकेट प्रोडक्ट को कभी भी बाय करें, कोई भी चीज़ लेनी है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, हमारी वेबसाइट्स पे है, हमारे डीलर्स हैं, उनका सर्टिफिकेट होता है, वो चेक करें उसके बाद बाय करें,
क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल जो फेक बेचते हैं, कश्मीर में लोग बैट के ऊपर इंग्लिश वीलो का स्टिकर लगा के बेचते हैं, अल्टीमेटली डोंट गेट चीटेड, बाय द राइट प्रोडक्ट। और बाकी डिटेल्स में भाई को सब दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें, तो भाई उसको डिटेल में सब तक पहुँचाएंगे कि बैट कैसे चेक करना है, ओरिजिनल है या नहीं है किसी भी चीज़ का। अब ये मशीन चेक करें, यहाँ पर भैया क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लेफ्ट को प्लेन करके साइज में लिया जा रहा है, और हमारे पास एक मशीन है जो बैट्स को बनाती है। अच्छा, ये हमने इटली से इंपोर्ट करी है। ओके, इटली इटली से, वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ओके चलिए, वो बैट्स को प्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं मशीनिंग दिखाता हूँ आपको प्रॉपर। और आगे एक मशीन जो इटली से, हाँ इटली से इंपोर्ट की है, लेट्स सी क्या है वो। मतलब इसमें सिर्फ मुझे क्लैप डालनी है, ऑटोमेटिक बैट का शेप दे देगा ये। क्या बात है। अरे ये मशीन भैया, ये आइडिया कहाँ से आया कि ये ले ले लेते हैं यार? ये मेरे को ये मशीन मेरे को मेरे इंग्लैंड में मेरे एक फ्रेंड ने दी थी। अच्छा, वो इससे बैट बनाते थे। हाँ, तो अब इसमें हम जितने भी हमारे जूनियर बैट्स हैं, कश्मीर में जो बैट्स हैं, हम यहाँ बन जाते हैं। जितने जूनियर और कश्मीर वो यहाँ बन रहे हैं, इंग्लिश में बैट्स नहीं बनाते, इंग्लिश में यहाँ सिर्फ जूनियर जूनियर और कश्मीर में लोग बैट बनाते हैं, बाकी सारे हैंडमेड है जो इंग्लिश लोग ऊपर जा रहे हैं, प्लेयर्स पे जा रहे हैं। चलिए लेफ्ट हो गए, ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कैसे हैंडल लगता है, बैट के ऊपर हैंडल देखिए कैसे लग रहा है। Thank you.